हेलो एवरीवन, वेल्कम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आई एम नंदिनी एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे रेयर डिजीज़ से रिलेटेड ड्रग्स एंड फूड हैं उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगते थे, इंपोर्ट कस्टम ड्यूटीज़ लगते थे, उसको एग्जेम्प्ट करने का डिसीजन जो है गवर्नमेंट ने ले लिया है। एंड इस वीडियो में हम इस बारे में सब कुछ जानेंगे। वी विल गेट टू नो अबाउट व्हाट आर रेयर डिजीज़, वो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो दिस इज़ द आर्टिकल इन विच द अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड कि जो एग्जेम्पशन है वो प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटीज़। सो इस आर्टिकल में और क्या क्या चीज़ें लिखा है, विल सी दैट। नाउ ऑल ड्रग्स एंड फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पजेज इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रेयर डिजीजेज लिस्टेड अंडर National Policy for Rare Diseases 2021 have been exempted from basic custom duty by the central government. अब यहाँ पर आपके लिए जानना ये important हो जाता है कि what are custom duties that have been imposed, basically अभी present situation क्या है, what are the present slabs under which जो custom duties है that are being implied on the इम्पोर्टेड ड्रग्स, ये जानना ज़रूरी हो जाता है फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ ये कि रेयर डिजीज़ होते क्या हैं, एंड देन आपका नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ है क्या, एंड वाई वॉज देर अ नीड टू ब्रिंग इन सच अ पॉलिसी। सो इस ये जो डिसीजन आया है इससे आपको ये क्लियर हो गया है कि जो कस्टम ड्यूटीज़ है उसको रिमूव कर दिए गए हैं। सो इन ऑर्डर टू अवेल दिस एग्जेम्पशन, इन ऑर्डर टू अवेल दिस एग्जेम्पशन देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्टिफिकेट, ठीक है। जिनको भी ये जो एग्जेम्पशन है उसको अवेल करना है, सो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम द कहाँ से, फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो बेसिकली ये क्यों है, इन ऑर्डर टू एंश्योर कि ये जो फैसिलिटी है दैट रीचेज टू द टारगेटेड बेनिफिशरीज, इसका मिसयूज़ ना हो, इसको मिसयूज़ करके लोग जो है इसका फ़ायदा ना उठाएं। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट विच इज़ बींग इश्यूड बाई सच एन अथॉरिटी विच हैज़ बीन मैंशनड हियर। नाउ अंडर द डिसीजन ये जो ड्रग है पेमरोलिज़ुमैब, सो दिस इज़ यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, सो इसको जो है पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी से। सो अदर देन देर आर अदर ड्रग्स एज वेल, बट जो आर्टिकल है उसमें ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। सो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो ड्रग है वो किस डिज़ीज़ को क्यूर करने के लिए, किस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स। नाउ लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक जोलजेंजमा एंड विल्टेप्सो इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी, नाउ दिस इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच हैव बीन गिवन इन द आर्टिकल विच हैव बीन इशूड गिवन इन द नोटिफिकेशन इशूड बाई द गवर्नमेंट। सो यू नीड टू नो अबाउट सम ऑफ द नेम्स ऑफ सच मेडिसिन एंड एसोसिएटेड डिजीजेज जिसको जिसके लिए यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाई इज़ दिस अ बिग डिसीजन फॉर सच पीपल हु आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर अ रेयर डिजीज़। ये चीज़ इतनी बड़ी बात क्यों है, ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज़ दिस डिसीजन बींग अपलोडेड। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो कंडीशन है उसके अंडर बेसिक ड्यूटी ऑफ 10% इज़ अप्लाइड ऑन सच इम्पोर्ट। सो 10% का क्या मतलब है कि जो भी जो ड्रग्स है उसका प्राइस है एडिशनली 10% जो है पे करना पड़ेगा एज द कस्टम ड्यूटी। नाउ व्हाइल सम कैटेगरीज ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड वैक्सीन्स अट्रैक्ट कंसेशनल रेट ऑफ 5% और जीरो ड्यूटी। सो बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं है कि सब पे ही 10% लग रहा है, सम ऑफ देम अट्रैक्ट स्लैब ऑफ 5%, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ कुछ ड्रग्स पे तो कस्टम ड्यूटी लगती भी नहीं है। सो दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। सो बिकॉज ऑफ द कस्टम ड्यूटी जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव ड्रग है दैट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव एंड इट कॉजेज
challenges for the people who need them, who can't afford them. Now, it is estimated that for a child weighing 10 kg, the annual cost of treatment for some rare diseases may vary from 10 lakhs to more than 1 crore per year. So, आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये heavy हो जाता होगा on the financial part of the family or the individual. So, this clearly points to the direction कि जो financial burden है which the individual or the family undergoes, तो उसमें that is a major challenge in addressing the issue related to rare diseases. Now, with treatment being lifelong and drug dose and cost increasing with age and weight. So, जैसे जैसे जो भी child है वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो definitely जो therapy है जो treatment है that also becomes more expensive and it becomes less affordable for the family or the individual. So, इस case में हम clearly ये चीज़ देख सकते हैं कि कैसे एक जो medicine है that can lead to pushing of a family into poverty or that can alter their living standards. Now, not only it can alter their living standards, but it is a question of violation of their fundamental right. ठीक है, जो उनका right for being right to have the access to the hospitals and the all the health facilities, उस पे भी एक जो है ये kind of violation है जहाँ पे the individuals are not able to afford the treatment. Now, while there are no domestic manufacturers of the drugs that treat rare diseases in India, there are some manufacturers food for special medical purposes for some molecule inborn errors of metabolism. So, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बिल्कुल कोई भी manufacturer नहीं है. There are manufacturers for the food that is required for the treatment of a person undergoing the treatment for a rare disease, but jo drugs hain that are majorly imported. So due to the imported thing, the drugs become more expensive. Agar sochiye yahi cheez agar India mein manufacture hoga, the cost will come down substantially and it will increase the affordability of the treatment. Now, so yahan pe ye data de rakha hai ki how rare is the रेयर डिजीज़. ठीक है, सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेयर डिजीज़ होता क्या है. नाउ एज द नेम सजेस्ट, रेयर का मतलब होता है बहुत ही अनकॉमन चीज़. नाउ यहाँ पे अनकॉमन या रेयर का मीनिंग ये है कि इट अफेक्ट्स वेरी मिनिमल पॉपुलेशन. द रेयर डिजीज़ वी कॉल इट रेयर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट अफेक्ट्स वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वेरी लिमिटेड रेशियो ऑफ पॉपुलेशन. सो इसके वजह से जो है हम इसको रेयर डिजीज़ बोलते हैं. ऑल दो देर इज़ नो यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर दैट, एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन विच इज़ सूटेबल फॉर देयर अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज एंड जो भी उनका पॉपुलेशन है उसके हिसाब से दे हैव फॉर्मुलेटेड देयर ओन डेफिनेशन. सो यहाँ पे जो चीज़ आपको समझना है दैट इज़ दिस, that we do not have a universal or standard definition for what is rare disease. So the WHO defines a rare disease as often debilitating lifelong disease or disorder with a prevalence of one or less per thousand population. So yahan pe in terms of number of people affected, नंबर ऑफ़ पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड, उसके टर्म्स में जो है हमने रेयर डिजीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करी है. नाउ इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, देर इज़ नो पर्टिकुलर यूनिवर्सल डेफिनेशन, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन. सो इन US, रेयर डिजीज़ आर डिफाइंड एज अ डिजीज़ और कंडीशन दैट अफेक्ट्स फ्यूअर दैन दिस मच ऑफ पेशेंट्स इन द कंट्री. And Japan identifies rare diseases as diseases with fewer than 50,000 prevalent cases. 50,000 prevalent cases in the country. So these are some of the examples as to what is meant by rare diseases in different areas. Now, in context to India, what is rare disease? So इंडिया में जो कॉमन बिलीफ है, जो कॉमनली एग्रीड चीज़ है, दैट इज़ अ डिजीज़ और डिसऑर्डर इज़ डिफाइंड एज रेयर इन इंडिया
when it affects fewer than 1 in 2500 individuals. So यहाँ पे भी we are going by the criteria कि कितने number of individuals are getting affected. In order to understand the prevalence of rare disease in India, a hospital-based national registry for rare diseases has been initiated by ICMR. Now you have to understand here, you have to remember here कि ये जो initiative है वो किसके under इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. सो यहाँ पे क्या है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेवलेंस ऑफ रेयर डिजीजेज इन इंडिया, कि कितने पॉपुलेशन इज गेटिंग अफेक्टेड, व्हाट इज़ द एज रेशियो एंड अदर रिलेटेड डेटा, वी हैव अ नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीजेज एंड इट इज़ बींग इनिशिएटेड बाय द ICMR. दिस यू नीड टू रिमेंबर. सो नाउ लेट सी the facts related to rare diseases. अब 300 million people living with a rare disease in worldwide. So आप ये देख सकते हैं कि as compared to the population of the world, it is a very small number. So this means that limited population is affected by rare diseases. Now 72% of rare diseases are genetic. So major part जो है, majorly ये जो rare diseases होते हैं, they are genetic in nature. 70% of those rare genetic diseases start in childhood itself. So आप ये देख सकते हैं जो number of people affected हैं, तो majority of them will be children only. Only 5% of the rare diseases worldwide are treatable. So ऐसा नहीं कह सकते कि none of them are treatable. Rare diseases treatable नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है. But the treatment is expensive, it is not affordable for some people, it is not it hasn't proven like massive results. ये सब cases हो सकता है, but we cannot say that there are no treatments. So only 5% of rare diseases worldwide are treatable. Now out of these 80% of the rare diseases, as I have already told you, 70% start in the childhood itself. Also the study suggests that all cases of rare disease across the globe, around 1/3 occur in India. So that is definitely a significant number, and because of that we have planned, we have this policy jo ki specifically deals with the rare diseases. Now what are the issues that are related to the rare diseases? So sabse pehle to ye hai ki there is lack of awareness both among the common people as well as the medical fraternity. Now क्या होता है कि अगर जो रेयर डिजीज़ेस है उसको डायग्नोस करने के लिए जो जो भी मशीनरी है या जो भी टेस्ट है वो अवेलेबल नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि अ लॉट ऑफ टाइम इन अ लॉट ऑफ केसेस मिस डायग्नोसिस हो जाता है. बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि रेयर डिजीज़ेस का क्या किस तरीके से होता है बिकॉज ऑफ द लो प्रेवलेंस, इसके वजह से देर आर अ नंबर ऑफ केसेज जहाँ पे मिस डायग्नोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड द पर्सन हैज़ सम एक्स डिजीजेस एंड ही इज़ बीइंग ट्रीटेड फॉर सम वाई डिजीजेस. इस तरीके से एक सिचुएशन बिल्डअप हो जाता है. नाउ लैक ऑफ एडिक्वेट स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़. सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंडीशन है वो आपने देख लिया होगा ड्यूरिंग द पैंडमिक कि कितना ज़्यादा प्रेशर जो है वो झेल पाया और क्या कंडीशन रहा है. सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट इट वॉज क्लियरली एविडेंट कि वी नीड टू वर्क ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. सो उसी का पार्ट उसी में ही आ जाता है दैट देर इज़ अ नीड फॉर एडिक्वेट स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज विच कैन बी यूज टू ट्रीट और विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द रेयर डिजीज. अब ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है इन ऑर्डर टू नो अबाउट द रेयर डिजीज़, इन ऑर्डर टू डायग्नोज अ रेयर डिजीज़, दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. सबसे पहले वी डोंट नो कि वो रेयर डिजीज़ है भी या नहीं. जिसके बारे में आइडिया हो भी, अगर मान लीजिए उसका टेस्ट करवा दिया जाता है, इफ़ द इंडिविजुअल इज़ मेड टू टेक द टेस्ट एंड इफ़ इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, देन फर्दर उसके आगे ट्रीटमेंट जो है उसका जो लाइन ऑफ थॉट होगा दैट विल बी डिफरेंट, द लाइन ऑफ प्रोसेस, लाइन ऑफ एक्शन विल बी डिफरेंट. सो ऐसे केस में क्या होता है कि
अगेन द डिले इज कॉज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इंडिविजुअल है उसका जो सफरिंग है दैट बिकम्स एक्सट्रीमली पेनफुल और द इट बिकम्स इनटॉलरेबल. सो बिकॉज ऑफ दी स्टफ इट इज अ चैलेंज टू डायग्नोज द रेयर डिजीज एट द फर्स्ट प्लेस. सो ये जो चार पॉइंट स्टार्टिंग के हैं, सबसे पहले ये इससे हमें यही पता चल जाता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज अ पर्सन विथ रेयर डिजीज. नाउ देर इज़ अ नीड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जितना जितना रिसर्च होगा, जितना जितना डेटा कलेक्ट होगा, जितना जितना विल बी अवेयर ऑफ द डिजीजेस एंड देयर सिम्टम्स एंड देयर ट्रीटमेंट्स, सो उससे क्या होगा, विल बी एबल टू आइडेंटिफाई जो भी डिजीज़ है उसको उतनी ही जल्दी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड विल बी एबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रीटमेंट. बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द पर्टिकुलर फील्ड इट इज़ बिकमिंग अनदर चैलेंज. देन कम्स द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट. नाउ बिकॉज ऑफ द लो प्रिवलेंस ऑफ द डिजीज़ जो ट्रीटमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी हर रीजन में नहीं होती है. देन प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट. दिस मीन्स दैट अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल भी हो जाता है तो वो उसका अफोर्डेबल होना या ना होना दैट इज़ अ क्वेश्चन. नाउ इफ ड्रग्स आर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज सो डेफिनेटली इट्स एन एड ऑन. नाउ नॉट ओनली इट्स एन एड ऑन द प्राइस, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है दैट ऑल्सो बिकम्स लेंदी. सो बेसिकली जो पेपर वर्क है, जो फॉर्मेलिटीज़ है, बिकॉज ऑफ दैट पूरा हमारा जो प्रोसेस है उसमें डिले होता जाता है. सो दीज आर ऑल द चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू रेयर डिजीजेस. नाउ वील टॉक अबाउट द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस. सो सबसे पहले ये जो पॉलिसी है, द गवर्नमेंट अंडरस्टूड द फैक्ट कि ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हु आर अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट फॉर रेयर डिजीजेस, सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम बोथ फाइनेंशियली, इमोशनली एंड हर एक तरीके से. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर फॉर सच पॉपुलेशन इन द कंट्री, द गवर्नमेंट केम अप विद नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस. नाउ यहाँ पे इस पॉलिसी के अंडर सबसे पहली चीज़ जो की गई है वो क्या है, द डिजीजेस हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ग्रुप्स. सो फर्स्ट इज़ ग्रुप नंबर वन, वेयर द डिसऑर्डर्स अमेनेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट. देन देर इज़ ग्रुप टू, जहाँ पे लॉन्ग टर्म जो थेरेपी है उसका ज़रूरत होता है. ऐसे डिजीजेस को ग्रुप नंबर टू में डाल रखा है. ग्रुप नंबर थ्री में ऐसे डिजीजेस हैं फॉर विच डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल बट चैलेंजेस आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सेलेक्शन फॉर बेनिफिट, वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रीटमेंट है वो है बट इट इज़ एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म बट अ लॉन्ग टर्म थिंग. सो उसमें कॉन्टिन्यूसली द पेशेंट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड एंड अलॉन्ग विद दैट जो फंड का सपोर्ट है वो भी इट हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट. सो प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू ₹50 lakhs टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनी कैटेगरी ऑफ द रेयर डिजीजेस एंड फॉर ट्रीटमेंट इन एनी ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सलेंस मैंशनड इन NPRD 2021 आउटसाइड द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि. सो द पॉलिसी ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एनी इंडिविजुअल हु इज़ हैविंग सच अ डिजीज विच हैज़ बीन मैंशनड इन द नेशनल रेयर डिजीज़ पॉलिसी. सो यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इंस्टीट्यूशंस जो है मेंशन किए गए हैं जहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर अफोर्डेबल प्राइसिंग में ट्रीटमेंट जो है मिल जाएगा अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल एड बाय द गवर्नमेंट. नाउ इन ऑर्डर टू रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज द पेशेंट ऑफ द नियर बाय एरिया मे अप्रोच द नियरेस्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस टू गेट हिम assessed and avail the benefits. So in order to ensure the application of the policy properly so that the targeted beneficiary are reached, it is important for the patient to get assessed
सबसे पहले. सो सबसे पहले जो है ये जानना ज़रूरी है कि कोई इंडिविजुअल को वो रेयर डिजीज़ है भी कि नहीं. सो वॉट ही कैन डू इज़ ही कैन गो टू द नियरेस्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड देन गेट हिमसेल्फ एसेस्ड एंड डायग्नोज विद वॉट काइंड ऑफ डिजीज़ ही हैज़. नाउ अंडर द पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अंडरटेकन सेटिंग अप ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड निदान केंद्रास. नाउ नॉट ओनली द पॉलिसी इज़ एमिंग टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट फॉर द इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो इट इज़ एमिंग टूवर्ड्स एनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड. सो अंडर दिस पॉलिसी प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस इज अंडरटेकन. देन प्रमोशन ऑफ लोकल डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस. सो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट वी आर एबल टू ब्रिंग डाउन द प्राइजेस ऑफ द ट्रीटमेंट द ड्रग्स द फूड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट वी आर ऑल्सो पुशिंग फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स एंड द फूड रिलेटेड. सो दिस वॉज अबाउट द नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी. नाउ वॉट कैन बी डन इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दैट अ पर्सन विथ सच अ डिजीज़ इज़ एबल टू हैव अ गुड लाइफ. सो सबसे पहले ये चीज़ है कि कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल. सो सबसे पहले अमंग द मेडिकल फ्रेटर्निटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग सच डिजीजेस. सो ये कैसे होगा? डेफिनेटली प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो बाई लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसिस ऑफ केसेस इन अदर कंट्रीज. सो रेगुलर अपडेशन रेगुलर जो है इंफॉर्मेशन एक्सेस के थ्रू जो है हम ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे वी आर एम्पावरिंग आर हेल्थ वर्कर्स टू बी रेडी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट इन सच अ केस. नाउ क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग द मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑब्वियसली बट ऑल्सो अमंग द कॉमन पीपल. प्रिवेंशन एट डिफरेंट लेवल्स यानी कि जो हमारे हॉस्पिटल फैसिलिटी है दैट इज़ लाइक डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो हर एक लेवल में वी नीड टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रिपेयरनेस फॉर डीलिंग विद सच अ डिजीज़. नाउ ऑप्टिमल स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस स्ट्रैटेजी दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा. नाउ फाइनेंशियल सपोर्ट as we have already seen that the process of treatment of the rare disease is extremely expensive and it becomes very tough for the family on the financial part. So what can be done is ki financial support ko provide karwaya jaye. So ye jo financial support hai iske liye zaruri nahi hai ki only government is responsible but other stakeholders like NGOs and other crowd funding platforms can come together in order to help the people in need. So voluntary crowdfunding is one such way through which the treatment can be provided. Development of manpower, increased affordability of treatment, proper implementation of policy. So with encouragement of and promotion of local manufacturing of the drugs and availability of treatment within the country, the cost will automatically come down. So जैसे जैसे विल वर्क टूवर्ड्स दैट आर एम ऑफ अचीविंग दिस विल ऑल्सो बी फुलफिल्ड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी एंड ऑल्सो अबाउट द रेयर डिजीजेस. सो देर इज़ दिस क्वेश्चन दैट विल ट्राई टू सॉल्व. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेयर डिजीजेस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है देर इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट है देर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ रेयर डिजीजेस. सो सबसे पहले क्या है देर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था वी रेड अबाउट द डेफिनेशन इन US एंड जापान एंड ऑल्सो इंडिया. सो तीनों जो है एक दूसरे से अलग थे तो वी कैन एग्री ऑन दिस थिंग दैट देर इज़ नो यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड डेफिनेशन. सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज देर आर नो ट्रीटमेंट्स फॉर रेयर डिजीजेस दस दे आर कॉल्ड रेयर डिजीजेस. सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाई डू वी कॉल रेयर डिजीजेस एज रेयर. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द लो प्रिवेलेंस अमंग द पॉपुलेशन एंड नॉट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट. एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि देर इज़ नो ट्रीटमेंट देर आर
ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, ऑल दो दे आर एक्सपेंसिव एंड नॉट अफोर्डेबल, नॉट अवेलेबल. सो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाता है. देन स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रेयर डिजीजेस. नाउ यू मस्ट बी नोइंग, इफ यू हैव बीन लाइक फॉलोइंग द न्यूज़पेपर, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ रेयर डिजीज. सो हमारा ये स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट हो जाता है. आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 इज करेक्ट. सो आर आंसर इज सी. सो आर आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली. सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.